माफ किया जबकि यह गैर कानूनी था, यह कैबिनेट से पारित नहीं हुआ था, इसका भी जवाब मनीष जी आपने नहीं दिया। जितने भी तकनीकी सवाल पूछे गए किसी का जवाब नहीं दिया। मैं विश्व का ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री, मैं गुजरात जाऊंगा तो यह हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अरे जो सवाल भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं उसका जवाब दे दीजिए, यहां वहां की बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं आपने और केजरीवाल जी ने मिलकर करोड़ों रुपए का घपला किया है, मोटा माल कमाया है और इस विषय से आप भली भांति अवगत हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं मनीष सिसोदिया जी कि आप वही पार्टी है ना जो पार्टी कभी अन्ना हजारे जी को लेकर आकर जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, जिसने ये कहा था वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और पूरे भारतवर्ष में आपने ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी नौटंकी पार्टी है कि जो लोग तथाकथित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे आज वही सबसे कट्टर बेईमान पार्टी बनके उभरी है पूरे भारतवर्ष की। आज वही लोग भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु में स्थापित है। और तो और ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, अन्ना हजारे जी इनके प्रणेता जिनको लेकर ये पार्टी शुरू हुई थी उन्होंने भी चिट्ठी लिख करके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने उन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, यहां मीडिया के बंधु मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी मंच से तीन तीन चार चार स्टिंग ऑपरेशन जो पब्लिक डोमेन में थे उसे हमने जारी किया। स्टिंग ऑपरेशन में जो मोटा माल देने वाले लोग थे उन्होंने स्पष्ट रूप से वो तकनीक भी बताया जिस तकनीक के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को करोड़ों करोड़ रुपए पहुंचाए गए थे दारू के ठेके के एवज में। जब ये सवाल आपने मनीष सिसोदिया जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा तो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके मनीष सिसोदिया बिना जवाब दिए वो चले गए। क्यों चले गए मनीष जी? आपके पास अगर जवाब होता तो आप छोड़ देते, आप जवाब देते, मगर आपने स्टिंग ऑपरेशन का भी जवाब नहीं दिया। कारण, क्योंकि आपको भी पता है करप्शन और भ्रष्टाचार तो आपने किया है। आश्चर्य का विषय है, सत्येंद्र जैन के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे थे इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और दो दिन से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है। मैं आज देश से अपील करता हूं, दारू के ठेकों से पैसा मारने वाला, दारू के ठेकों को बांटते समय भ्रष्टाचार करने वाला, उसकी कंपैरिजन आप महामहिम भगत सिंह से करेंगे? देश पे शहीद होने वाले भगत सिंह से करेंगे? और ये देश सुनता रहेगा? आप लोग विचार करिए, आप सोचिए किस व्यक्ति की कंपैरिजन किस व्यक्ति के साथ किया जा रहा है। भगत सिंह इज एन इंस्टीट्यूशन, भगत सिंह रिप्रेजेंट सैक्रिफाइस, भगत सिंह हिंदुस्तान का स्वाभिमान है, और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, और भ्रष्टाचार के प्रतीक मनीष सिसोदिया को जिन लोगों ने स्वाभिमान के प्रतीक भगत सिंह के साथ कंपैरिजन किया है, तुलना की है, यह धृष्टता है, ये उचित नहीं है, माफी मांगनी चाहिए। और एक नया प्रचलन आजकल शुरू हो गया है, जब भ्रष्टाचारियों से आजकल सवाल जवाब करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है, उनको उन्हें चिट्ठी भेजी जाती है तो ये सबसे पहले राजघाट चले जाते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे। आपने कभी सुना है सत्याग्रह ऑन करप्शन? ये भगत सिंह का भी अपमान और महात्मा गांधी का घोर अपमान है। राहुल गांधी भी वहीं गए थे और मनीष सिसोदिया भी वहीं। देयर इज नो डिफरेंस एब्सोल्युटली कांग्रेस पार्टी की भ्रष्ट नीतियां और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में और उनकी तकनीक में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बंधुगण, मैं आज इतना ही कहूंगा कि ये जो जश्न भ्रष्टाचार मनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी का, ये अपने आप में
बहुत ही विभत्स है। आज सुबह व्यक्तिगत रूप से भी मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मैंने टीवी ऑन किया और तमाम चैनलों पर ये जो महिमा मंडन है भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया का मुझे देखने को मिला, उनका भाषण चल रहा है, मनीष सिसोदिया जी राजघाट जा रहे हैं, माला पहन के ओपन गाड़ी में हाथ हिला हिला के जा रहे हैं। मैं तो देशवासियों से और आप सभी से एक अपील करूंगा, विनम्र अपील करूंगा, लेट्स नॉट ग्लोरीफाई करप्शन। भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कभी नहीं होना चाहिए। इस देश में कोई भी बच्चा यह न समझे कि भ्रष्टाचार के माध्यम से मैं हीरो बन सकता हूं। नो वन इन दिस कंट्री शुड एवर फील दैट आई कैन बी अ ग्लोरियस पर्सनैलिटी, आई कैन बी अ हीरो थ्रू करप्शन। और यही चेष्टा आम आदमी पार्टी की है, टू कन्वर्ट अ वाइस इनटू देयर विक्ट्री, जिसमें हमें भाग नहीं लेना है, हमें सच्चाई को उजागर करना है, सच्चाई को दिखाना है। सी एज फार एज दी आम आदमी पार्टी इज कंसर्न, दिस इज देयर मॉडस ऑपरेंडाई। रिमेंबर व्हेन सत्येंद्र जैन वॉज अरेस्टेड वी हैड द यूपी इलेक्शंस एंड व्हाट डिड मिस्टर केजरीवाल से, मिस्टर केजरीवाल सेड दैट द भारतीय जनता पार्टी इज अफ्रेड बिकॉज आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू स्वीप द उत्तर प्रदेश इलेक्शंस एंड वी सॉ द वे दे स्वेप्ट द उत्तर प्रदेश इलेक्शंस। I'm really astonished that as yet Mr. Kejriwal and Mr. Sisodia have not come out with a statement that Joe Biden is afraid of them. But very soon, we would be hearing that as well. देखिए जहां तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव का सवाल है, उनका आंतरिक विषय तो है ही, और मुझे लगता है आप मुझसे जो उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इस पे कोई स्टेटमेंट दूं, हमें शाम तक इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है शशि थरूर जी ही इस पे स्टेटमेंट जारी करेंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी, किस प्रकार का चुनाव हुआ है, क्या हुआ है, ये सब शशि थरूर जी ही आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे। और दूसरी बात है कि डूबते जहाज का कप्तान कौन बनता है, इस विषय में देश कितना जानना चाहती है कितना नहीं जानना चाहती है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अ संकन शिप, हु बिकम्स द कैप्टन ऑफ द संकन शिप, आई डोंट थिंक पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन इट। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो जवाब भी दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कुछ दिनों पहले जब इसी विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले हम बकराईद में हलाल होने से बचें, अगर बच जाएंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे, उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था। तो खुद ही वो स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वो बलि का बकरा ढूंढ रही है। तो मुझे तो शक है कि ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश का ठीकरा फोड़ने के लिए जिसको ढूंढ रहे हैं, आज शाम तक हमें मालूम पड़ेगा कि इसको ढूंढा है। अगर ये दोनों चुनाव के ठीकरे को फोड़ने के लिए किसी का चयन होता है तो वो उनके पार्टी का इंटरनल विषय है। नो, आई एम नॉट रेफरिंग टू एनीथिंग एज फार एज इन्वेस्टिंग एजेंसीज आर कंसर्न। द इन्वेस्टिंग एजेंसीज आर इंडिपेंडेंट, दे विल बी डूइंग देयर जॉब। एज अ पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन, वॉट वी आर सीन, वॉट वी हैव सीन, दे आर क्वाइट सिमिलर। वी हैव सीन एज टू हाउ करप्शन वॉज सेलिब्रेटेड बाय संजय राउत, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डेजा वू। I mean, just replace Manish Sisodia with Sanjay Raut. We saw Sanjay Raut a few days ago. The same fanfare, he used to come out and celebrate corruption. The Aam Aadmi Party is doing the same thing. But in jurisprudence, in legality, you need to have evidence. Celebration does not count. Thank you.